बरगंडी बरगंडी नहीं अच्छा रहता है, एक बार नया ट्राई करके देखिए। तो सब सैलून में आ गए हैं, नंबर भी लगा दिए हैं, अब थोड़ा सा बालों भी कटाते हैं। ये तो दुकान भी लग रहा है बंद है, अब उधर साइड में उधर जाके देखना पड़ेगा थोड़ा। दोस्तों अभी ग्रीस वाला मिल गया है, अभी दूसरे गाड़ी में लगा रहे हैं वो लोग, तो अभी आएंगे। और इस बीच में कम से कम मेरा 70-80 किलोमीटर का सफर भी हो गया। अगर कल खाली भी नहीं होता, अगर दो दिन भी लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अभी हमारा छुट्टी, मतलब गाड़ी खाली होने के बाद हमारा छुट्टी स्टार्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए व्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 9 बज रहा है और हम लोग उड़ीसा में आ चुके हैं, तो उड़ीसा हम लोग करीब 7 बजे क्रॉस कर गए थे बॉर्डर। तो यहाँ पर क्या है, आज संडे भी है, तो आज सोच रहे हैं घर भी जाना हमको, तो थोड़ा दाढ़ी वगैरह भी बना लेते हैं, बाल वगैरह डाई कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी समय मिलता नहीं है। तो उसके लेके यहाँ से ड्राइव करा के फिर आगे जाएंगे, तो फिर आगे जाकर नहाना धोना होगा संबलपुर में। ठीक है दोस्तों, सामने दुकान है बहुत सा देख रहे हैं, तो सैलून दुकान भी है, तो हम आते हैं वहाँ से सब दाढ़ी वगैरह से बना कर। दोस्तों बताएगा आज संडे, तो थोड़ा बाल भी डाई करना है, तो मेरा कलर लेने के लिए आए हुए हैं, तो गार्नियर का है, गार्नियर का दे दीजिए हमको। हमारे ये सब सब्सक्राइब आए हैं, मिल गया, अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग से भी, तो हमको दे दीजिए थोड़ा सा, बनाते हैं दाढ़ी वगैरह भी। बगल में सैलून है, हाँ यही सैलून में जाते हैं, अभी सैलून बनाते हैं। ब्लैक वाला की कलर ब्लैक, हाँ ब्लैक ब्लैक। अरे वाह, बरगंडी लगा ली, हाँ बरगंडी बरगंडी नहीं, बरगंडी अच्छा रहता है, एक बार नया ट्राई करके देखिए। अरे लगाया है इस, लेकिन वो ठीक नहीं लगा, थोड़ा लालपन में आ जाएगा ना। हाँ, नहीं थोड़ा सा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, खराब लगेगा यार फिर। तो सब सैलून में आ गए हैं, नंबर भी लगा दिए हैं, अब थोड़ा सा बाल भी कटाते हैं, दाढ़ी वगैरह बना के सब करते हैं काम। अभी दोस्तों अभी पापा तो चले गए यार, उनको अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा, एक दो घंटा। और यहाँ पे क्या है कि नहाने का भी बहुत अच्छा दिया है टंकी, यहाँ पे आके नहा भी लेंगे। तो गाड़ी में थोड़ा ग्रीस करवाना है, तो ग्रीस वाले को ढूंढते हैं अभी कहाँ है। ये तो दुकान भी लग रहा है बंद है, अब उधर साइड में उधर जाके देखना पड़ेगा थोड़ा। दोस्तों अभी ग्रीस वाला मिल गया है, अभी दूसरे गाड़ी में लगा रहे हैं वो लोग, तो अभी आएंगे। तो अभी पापा तो उधर ही है, इंतजार करते हैं उनका आने का। दोस्तों अभी ग्रीस वाला से पहले पापा आ गए, ये देखिए, हमको लगा 2 घंटा के ऊपर लगेगा, अभी नहाने जाइएगा ना। अभी नहीं, यहाँ से चलेंगे, क्योंकि खड़ा खड़ा समय टूटने से अच्छा है कुछ सफर कट जाएगा। अब आगे ढाबा है, वहाँ भी नहाने की जगह है। हाँ इधर आओ, आ गया ग्रीस वाला। कैसा ग्रीस है? वाला है, देख के मारना बढ़िया सा है। हाँ, हाँ। दोस्तों ग्रीस वगैरह हो गया, आप लोग निकल चुके हैं, रास्ते में अभी है, अभी समलपुर पहुंचे नहीं है, अभी समलपुर यहाँ 60-70 किलोमीटर बाकी है अभी। तो आज तो ऐसे संडे है, संडे को मेरा कुछ ना कुछ खास रहता है, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा है, कारण कि देख सकते हैं कि हम लोग पास समय नहीं रहा। आज हम लोग थोड़ा सा बाल वगैरह भी डाई कराए, दाढ़ी वगैरह बनाए, तो उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोग के साथ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर एक तरफ ही मतलब हो सकता है, या तो कुछ बना खा सकते हैं, या फिर अपना जो नहाना वाना ये सब कर सकते हैं। चलते हैं अभी संबलपुर। अभी दोस्तों अभी हम लोग होटल में आ चुके हैं, जहाँ पे रुकना है, तो पापा को सिर्फ नहाना है यहाँ पे, नहा के फिर हम लोग निकल जाएंगे। इधर साइड करके गाड़ी लगा देते हैं, ये देखिए वहाँ पे टंकी है, वहीं पे जाके नहाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग संबलपुर आ चुके हैं, और इस बीच में कम से कम मेरा 70-80 किलोमीटर का सफर भी हो गया, और मेरा बाल भी सूख गया। तो इसी टाइप का मतलब कोई समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए बैठ करके, उसी यहाँ पे कोई ना कोई काम निकल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। हम भी उसी टाइप किए, किलोमीटर का सफर कट गया मेरा, तभी हम जा रहे नहाने के लिए, बहुत अच्छा जगह है नहाने का, और यहाँ होटल भी बहुत अच्छा है। यहीं से खा पी गए, फिर अपना लाइन यहाँ से कट जाएगा, सीधा रोड तो कलकत्ता चल जाता है, उधर तो हमें जाना नहीं है, राहुल की तरफ जाना है, आगे से हम लोग फिर बाया कट जाएंगे। तो आते हैं नहा के पहले। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, और पापा भी नहा के आ गए, तो बस अब गाड़ी को लॉक कर रहे हैं, हम जा रहे हैं खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए गाड़ी का सजावट का भी सामान मिल रहा है, लेकिन पापा को बोलेंगे तो लेंगे नहीं। ये देखिए नहावा के रेडी हो गए हैं, बस गाड़ी को लॉक करते हैं अब। होटल तो अच्छा ही दिख रहा है, तो देखिए वहाँ सजावट की दुकान है, कुछ लीजिएगा अभी? कुछ नहीं बाबा होटल, देखिए कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं लेना है। कौन होटल आया? बाबा होटल। दोस्तों आज का हमारा ऑर्डर जो है, बहुत दिन बाद जो है होटल में हम अंडा करी खा रहे हैं। खाने कारण क्या है कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा खांसी सर्दी हो गया, सागर भी खांस रहा है, थोड़ा थोड़ा अंडा उंडा खाया जाए थोड़ा गर्म होगा। तो होटल में हम लोग बहुत दिन बाद हालांकि ऑर्डर किए हैं, हालांकि देखें आप लोग गाड़ी में हम लोग खुद ही बना लेते हैं, आज समय नहीं मिला जो कुछ बना नहीं पाए हम लोग, तो होटल पर ही अंडा करी किया जा रहा है। दोस्तों टेस्ट बहुत अच्छा है, काफ़ी भीड़ भी है, हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर। दोस्तों अभी हम लोग खाना खा के आ चुके हैं, और गाड़ी को भी निकाल लिए हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से।
दोस्तों आज रात में हम झारखंड पहुंच जाएंगे और कल हमारा गाड़ी खाली हो जाएगा। अगर कल खाली भी नहीं होता, अगर दो दिन भी लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी हमारा छुट्टी, मतलब गाड़ी खाली होने के बाद हमारा छुट्टी स्टार्ट हो जाएगा। और घर में पूजा है 17, 18, 19, 3 दिन पूजा होता है गृह प्रवेश का। तो अगर थोड़ा लेट से भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अपने पास टाइम है इतना कि हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। तो चलिए, अगर कल भी हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ऐसा करके। तो अभी निकल तो गए हैं, आप देखते जल्दी जल्दी आज सफ़र काटते हैं हम लोग। दोस्तों अभी हम लोग झारसुगड़ा पहुंच गए हैं और ये झारसुगड़ा वही रोड है जो अगर हम रायगढ़ होकर आते तो यहीं आकर निकलते हैं। और हम इधर से आए तो इधर से आ रहे हैं फोर लाइन होके, आगे आपको चौक दिखेगा तो उधर से हम लोग रायगढ़ होके आते हैं इसे। यही झारसुगड़ा मतलब मेन है राउल किला जाने के लिए। आप इधर से भी आइएगा तो यहीं निकलना है और रायगढ़ होकर भी आना है तो यहीं निकलना है। थोड़ा चौक में थोड़ा जाम लग ही जाता है। देखिए यहाँ पे ओवरब्रिज तो बन रहा है, उसमें काम अभी लेट है, अभी काम में तो ये बन जाए तो ये जाम का भी लफड़ा खत्म हो जाएगा। चारों तरफ से गाड़ी यहाँ का मिलता है यहाँ पे, तो उसके लेके जाम लग जाता है। और यहाँ से अभी रांची हमको करीब 260-270 किलोमीटर बचा हुआ है। तो खैर रात में तो हम झारखंड पहुँच ही जाएंगे। दोस्तों अभी तो लाइन बढ़ा है धीरे धीरे, देख सकते हैं लाइन से निकाल रहे गाड़ी हम लोग। तो अच्छा है कि ट्रैफिक वाला है यहाँ पे, कभी इधर से छोड़ रहा है। यही वाला जाम निकल गए तो अब मतलब जाम नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये फोर लाइन है पूरा। और यहाँ तो खैर उड़ीसा में तो हर चौक में आपको ट्रैफिक वाला मिलेगा, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। उड़ीसा और बंगाल में कोई भी छोटा सा बाजार है, चौक है, तो आपको कोई ना कोई वहाँ पर मिलेगा आपको। असम में भी है लेकिन उतना कम है थोड़ा सा, लेकिन हमको उड़ीसा और बंगाल में हमको बहुत ज़्यादा दिखता है। बाकी और सब स्टेट में हमको मिला नहीं, ज़्यादातर सिंगल बत्ती से ही काम चलता है। अब बहुत जगह नहीं भी है तो कम से कम देना चाहिए। कभी कोई बस पार हो रहा है, स्कूल बच्चा पार हो रहा है, चलिए पार करते हैं इसको। अभी थोड़ा गर्दा भी है इधर। दोस्तों अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी जाके हम लोग एक ब्रेक लिए हैं थोड़ा, और तब तक थोड़ा पापा रेस्ट कर लेंगे और हम थोड़ा टायर चेक कर लेते हैं। टायर में थोड़ा गिट्टी वगैरह सब देखना पड़ेगा, ये देखिए फंसा हुआ है, ये सब नहीं निकालेंगे तो टायर पंचर कर देता है। दोस्तों अभी टायर तो चेक कर लिया, सब कुछ सही है, बस गिट्टी फंसा था वो निकाल दिए है। तो यहाँ पे दोस्तों ज्यादा नहीं 10-20 मिनट रुकेंगे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। और अभी हम लोग राहुल किला वाले रोड पे ही है और यहाँ पे देखिए गाड़ी खड़ा अपना। दोस्तों अभी थोड़ा चाय बना ले रहे हैं, लाल चाय, ये देखिए अदरक देख के। यही आप दूध वाला चाय नहीं देंगे पापा को, बस लाल चाय ही पियेंगे। दोस्तों हमारा चाय बन गया और अब चाय पी लेते हैं, सीधा हम कपड़ों मार के फिर यहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ से राहुल किला ज्यादा दूर नहीं है, अभी 60-70 किलोमीटर और बचा हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग चाय तो पी लिए और ये क्या कि अपना पीछे का ये बैक लाइट थोड़ा खराब हो गया है तो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। बल्ब तो ले लिए थे हम लोग, बस ये नट को खोल के अंदर कनेक्शन कर देना, बाकी तो हो जाएगा। ये देखिए खराब हो गया, उसमें दो ऑटो लाइट दिख रहा है। ऑटो बैक गियर का है, जल गया, मतलब कि इसमें एक बॉल अच्छा है। दोस्तों लाइट एक नहीं जल रहा, हमारा बैक लाइट है, रात में चलते हैं या गाड़ी कहीं खड़ा रहता है तो जलना चाहिए ये लाइट, क्योंकि पीछे वाला को दिखता है कि हाँ कोई गाड़ी खड़ा है। तो इसीलिए अभी लेकर रखे थे बल्ब, हम समय नहीं मिला था, मिला समय लगा दे रहे हैं, सब साफ सुथरा भी कर दे रहे हैं। तो ये लाइट दोस्तों लग गया, अब जा रहे थोड़ा आगे का शीशा भी साफ कर लेते हैं। दोस्तों अभी रात के 8 बजने वाले हैं और करीब हम लोग झारखंड बॉर्डर से 20 किलोमीटर पीछे है और बस तो अभी पहुंचने ही वाले हैं। और अभी थोड़ा बारिश होने लगा, ये देखिए अभी थोड़ा बारिश हो रहा है और बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, इसलिए शीशा इधर लगा लिए है, बंद कर दिए है, उधर का खुला हुआ है। ये देखिए बारिश बहुत तेज होने लगा, ठंड बढ़ा देगा इसका मतलब। दोस्तों अचानक मतलब बारिश हो गया, ये थोड़ा हवा चला, बिजली कड़क रहा था, बारिश हुआ, उतना भी कोई खास बारिश नहीं हुआ, बारिश लगभग अभी छूट गया है, हल्का बारिश मिला। और क्या है कि इस सब माल में हम लोग देखते कि कंटेनर गाड़ी है, कई जगह पेड़ में टकराता है गाड़ी, तो हम लोग फिर ध्यान देते नहीं है, हम लोग सोचते जब बारिश आएगा तो नया तिरपाल बांधेंगे उसमें में। तो ऐसे तो खैर नहीं है, पर हम लोग जब भी गाड़ी लोड होता है तो हम नीचे खड़ा होकर देखते हैं कि छेदा वगैरह नहीं था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर भी मतलब हम लोग तिरपाल मारेंगे, नया पुराना तिरपाल देख रहे हैं कि
कैसा फट कर धजिया उड़ गया उसका। अब चेंज कर लेंगे अच्छा रहेगा, कहेंगे बारिश का कोई ठीक नहीं कब हो जाए। तो पहुंचते हैं हम लोग बॉर्डर पहुंचने वाले हैं झारखंड का। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं और हम लोग होटल के पास आ गए। ये देखिए यहाँ होटल है, गाड़ी तो यहाँ पे लगा दी है पार्किंग में। पर आज हम लोग खाना खाने नहीं जा रहे, पापा का थोड़ा तबीयत बोल रहे सही नहीं लग रहा है तो वो भी नहीं खाएंगे और हमको भी नहीं मन कर रहा है इसलिए नहीं खा रहे। हम यहीं पे सोएंगे और सुबह सुबह फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों अभी सोते हैं, मिलते हैं आप लोग से सुबह। दोस्तों अभी सुबह 7 बज चुका है और हमारा सफर तो आज का सुबह 6 बजे से ही चालू हो गया था। हम लोग वहाँ से निकल चुके थे और अभी हम लोग कोलोबीरा के बाद खुटी आने वाला है। अभी कोलोबीरा का जंगल पार कर रहे हैं, घाटी बोलते हैं इसको। यही सब जंगल लेकर के रात में लोग चलता नहीं है, देख सकते कितना जंगल है। तो आदमी हर जगह रुक जाता है, वो उस पार होटल रुक जाता है, इधर का होटल रुक जाता है। इसको हम लोग दिन में ही पार करते हैं। थोड़ा टर्निंग पड़ता है, देखिए मेरे आगे गाड़ी जा रहा है, टर्निंग है ये। अब मान लीजिए इसी बीच में अगर कोई गाड़ी पहले से ब्रेक डाउन है या कोई एक्सीडेंट होकर खड़ा है तो दिखता नहीं है, तो फिर लग जाएगा या हो सकता है कि जाम लग जाए। तो हम लोग इसलिए इस सब एरिया जो दिन में ही पार करते हैं। दिन में क्या है कि हर चीज़ का रास्ता निकलता है, तो ये सब रास्ता हम लोग का सफ़र जो है दिन का ही करते हैं हम लोग। दोस्तों टाइम तो अभी ठीक है, अभी यहाँ से ज़्यादा दूर तो रहा नहीं, रांची 100 किलोमीटर रह गया रांची। तो उम्मीद है कि अगर आज मेरा गाड़ी खाली हो जाए तो कहे, कल संडे था तो बड़ा बड़ा कंपनी का है कि संडे को बंद रहता है, तो उसके लेकर के बहुत सा गाड़ी खड़ा होगा कल के लिए। अगर होगा कल जो आया हो गाड़ी खड़ा होगा तो नंबर नहीं लगे वो बात अलग है, और नंबर अगर लग गया तो मेरा गाड़ी भी आज खाली हो सकता है। दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा रुके हैं ब्रश करने के लिए, ब्रश वगैरह करके फिर आगे हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पे नेटवर्क भी थोड़ा नहीं है, आगे खुटी बोले ना, आगे खुटी में कहीं नेटवर्क मिलेगा तो वहाँ पे फिर वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग ब्लॉग। और जहाँ पे रात में भी रुके थे वहाँ भी नेटवर्क नहीं था, नहीं तो रात में ही हम लोग अपलोड कर दिए होते। तो अभी बरस वगैरह करके हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और मौसम भी देखिए काफी अच्छा किया है, इधर भी लगता है थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ था इसलिए थोड़ा सा मिट्टी गीला है अभी। दोस्तों हम लोग बरस वरस हो चुका है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी। और हमारा माल जो है कि टीपूदाना का है रांची में, तो जा रहे नंबर लगाते हैं, हो जाएगा खाली, बहुत अच्छा बात है। दोस्तों खाली होने के बाद हमारा छुट्टी चालू हो जाएगा, फिर हम अपना घर चले जाएंगे और अपना घर पे जो त्यौहार पूजा हुआ है सब करूँ के फिर निकलेंगे वहाँ से। अरे कोशिश करेंगे बहुत कम से कम मेरा छुट्टी हो, जितना जल्दी मेरा काम निकल जाए। दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।